नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांगरमऊ उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चीतेपुर में बीते गुरुवार को दबंगों ने मां बेटे की पिटाई कर दी थी। पीड़िता ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। यहां तक कोतवाली पुलिस ने विधायक की सिफारिश को भी नजरअंदाज कर दिया। पीड़िता अब मुख्यमंत्री की चौखट पर जाने का मन बना रही है। ग्राम चीतेपुर निवासी सुधा देवी पत्नी राजकिशोर के अनुसार बीते 6 अप्रैल को वह और उसका पुत्र घर पर थी। तभी रात करीब 10 बजे गांव का ही विशुन किशोर पुत्र रामभजन दो अन्य लोगों के साथ चोरी के इरादे से उसके घर घुस आया। विरोध करने पर विशुन किशोर ने गाली गलौज तथा मारपीट की थी। मां को बचाने आए पुत्र को भी दबंगों ने पीट दिया था, जिससे मां बेटे दोनों घायल हो गए थे। पीड़िता ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगले दिन पीड़िता क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार के पास पहुंची थी। विधायक ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने विधायक की सिफारिश को भी नजरअंदाज कर दिया। पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौकट पर भी पहुंची, जहां उसे क्षेत्राधिकारी के पास जाने की सलाह दी गई। आज सोमवार को वह क्षेत्राधिकारी से मिली। क्षेत्राधिकारी ने उसे पूछताछ तो की, लेकिन कार्रवाई हेतु कोतवाली पुलिस को निर्देशित नहीं किया, जिससे पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल सका। पीड़िता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने का मन बना रही है। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।